हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? होप सो अच्छे होंगे। और मैं भी, अब तो बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो नहीं ठीक थी। और आप टाइटल देख के समझ गए होंगे कि मैं क्या बात करना चाहती हूँ। मतलब जैसे कि टाइटल में मैंने आप लोगों को कहा है, प्लीज ऐसा मत करें। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ जो कि मैं करना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे शेयर करनी पड़ रही है। और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी फुल वीडियो ये देख के मुझे सुजेशन देना कि मैं क्या करूँ। मैंने ठीक किया ये शेयर करके कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी? तो जैसा भी आप मुझे सजेस्ट करोगे, मैं आगे से फिर वैसा ही किया करूंगी। फिलहाल तो मैं आपको ये बता दूं कि कुछ कारणों की वजह से मेरा ये जो गिव अवे विनर अनाउंसमेंट है, लेट हो गई। उसका कारण बताऊंगी प्रॉपर। मैं काफी परेशान चल रही हूँ। पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं, परेशानी बीमारी की वजह से है। क्योंकि मैं पता नहीं क्यों फिर दोबारा मुझे फीवर हो गया था, वायरल फीवर। पहले मुझे रहा थोड़े दिन, फिर मेरे हस्बैंड को हो गया काफी बुरी तरीके से। और उस फीवर के 15 दिन के दौरान दौरान कितनी मुश्किलों का मैं सामना किया वो भी आपको बताऊंगी। और बताना चाहूंगी कि कुछ हद तक आप लोग जिम्मेवार हो। कौन है ये तो नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको पूरी बात जरूर बताऊंगी। पहला, जो मैं इतनी ज्यादा डिप्रेस हूं जिसकी वजह से, वो बात सुनोगे ना तो शायद आप भी हैरान रह जाओगे। मैं चाहती नहीं थी बताना, लेकिन फिर भी मुझे बताना पड़ रहा है। और ये चीजें बताने के बाद शायद कुछ लोग मेरे चैनल से चले जाएंगे, और मैं चाहती भी हूं कि वो चले जाएं। ठीक है, अभी मैं आपको पहली बात तो ये बताऊंगी कि कुछ ज्यादा नहीं, कुछ मेरे सब्सक्राइबर जो है ना, वो पता है मुझे क्या करते हैं इंस्टा पे? इतना परेशान करते हैं, क्या कहते हैं मुझे वो भी बता देती हूँ। मुझे कहते हैं, मैम हम आपको 100 सब्सक्राइबर, कोई कहता है 50, कोई 70, कोई 100, हम आपको इनवाइट्स लाके देंगे, यानी कि सब्सक्राइबर देंगे, प्लीज आप हमें विनर बनाओ। और बढ़िया विनर बना दो, यानी कि 350 के रेंज वाला जो था, तो आप हमें ये दो। ठीक है, मैं हम आपको इतने सब्सक्राइबर देंगे। मैं पहली चीज ये कहूंगी, अगर मुझे ऐसे सब्सक्राइबर लेने होते तो मेरे खुद के रिलेटिव बहुत है, यानी कि इतने रिश्तेदार हैं कि मेरे एक ही दिन में 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं। लेकिन मैं नहीं कहती, मैंने उनको आज तक नहीं कहा, कभी नहीं कहा। अपने किसी भी रिश्तेदार को मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे सब्सक्राइब करो और एक ही दिन में ऐसे मेरे चैनल में बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे। मैं चाहती हूँ नेचुरल तरीके से मेरा चैनल ग्रो करे। ऐसा नहीं है कि फेक तरीके से करें, ऐसे तो बहुत सारे फिर हो जाते मेरे भी, लेकिन मैंने आज तक कभी ऐसा किया ही नहीं। तो मैं उनकी सोच पे बहुत हैरान हूँ। मानती हूँ, मानती हूँ, हर यूट्यूबर चाहता है कि उसके सब्सक्राइबर बढ़े। मैं भी चाहती हूँ, मेरा भी मन है मेरे फॉलोवर बढ़े, है ना? लेकिन जब आप मुझे ऐसा सुजेस्ट, आप अपनी मर्जी से कुछ इनवाइट्स लेके आते हो ना, तो बहुत खुशी होती है, बहुत बहुत मुझे खुशी होती है। लेकिन जब आप ये शर्त रखते हो कि मैम हम आपको इतने सब्सक्राइबर देंगे, आप हमें विन कराओ, पहली चीज उन लोगों को कहूंगी जो लोग मेरे चैनल पर इतनी मेहनत करते हैं, यानी कि डेली मेरी वीडियो को देखते हैं और मुझे डीएम करते हैं। क्या वो पागल हैं? बेचारे रोज रोज मेरी वीडियो देखते हैं ये इस आस पे कि हम भी विनर बनेंगे। यानी कि उन लोगों को बिल्कुल ना ध्यान में दूं, उन लोगों को विनर्स पहले बना दूं जो कि मेरे लिए इनवाइट्स लेके आए हैं। और पता नहीं अगर वो ओरिजिनल इनवाइट्स भी लेके आएंगे ना तो भी नहीं। अभी तो मुझे पता है वो फेक लेके आएंगे, मुझे पता है कि वो अपने ही भाई बहन सबके सब्सक्राइबर ऐसे कर देंगे, लेकिन हो सकता है कि कुछ ओरिजिनल भी ले आए, अपने व्हाट्सएप पे शेयर करें या कुछ भी है, लेकिन ना
ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मेरे मन को बहुत ठेस पहुंचा, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूं। मुझे कोई लालच नहीं है। मेरे चैनल को अगर ध्यान से देखोगे, 2 साल हो गए हैं स्टार्ट किए हुए, अभी तक मोनो नहीं हुआ है। उसका कारण ही ये है कि मुझे ना चीजें पसंद नहीं आती। जब लोग कुछ ऐसे अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं ना, तो वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता। ऐसी चीजों से मैं परेशान हो जाती हूँ। और ऐसा नहीं, मैंने उनको कहा भी नहीं, नहीं फिर बार बार दी प्लीज, दी प्लीज, दी प्लीज। उन लोगों को मैं कहूंगी जाओ मेरे चैनल से, चले जाओ प्लीज, क्योंकि आप मुझे बार बार ऐसे कहोगे, बार बार डीएम करोगे और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। मैं फालतू के आंसर दूं, ये फालतू के आंसर है। मैं आपको बोलूं नहीं, मैंने अभी फिलहाल उनको एक आधे को ये भी कहा, अच्छा ठीक है बाद में सोचूंगी, अभी तो नहीं 1-2 महीने। फिर उन्होंने बार बार प्लीज दी, कब बनाओगे, कब बनाओगे, इस बार बनाओगे, हम देंगे आपको। मैंने कहा नहीं। एंड में मैंने मतलब उनको मैसेज फालतू नहीं किया, मैसेज का रिप्लाई करना छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे बोल रही हूँ नहीं, मुझे ऐसे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए। आप अपनी खुशी से अपने व्हाट्सएप पे कुछ भी किसी को भी अगर शेयर करते हो, सच कहती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे भी दिखाई देता है कि आप इनवाइट्स लेके आ रहे हो, मुझे भी लेकिन अगर आप मेहनत करोगे, मेहनत नहीं कर रहे हो, मेरे चैनल को देखते नहीं देखते वो नहीं मुझे पता, बस इनवाइट्स इनवाइट्स लेके आई जा रहे हैं, 20, 30, 40, कईयों ने तो 40 40 दिए भी। अब मैं उनको बोलती हूँ ले जाओ वापिस, मुझे नहीं चाहिए। आप अपने इनवाइट्स वापिस ले जाना। मैं ऐसे लोगों को नहीं बनाऊंगी जो कि मुझे शर्त रखते हैं कि आप ये 40 ले लो, 50 ले लो सब्सक्राइबर, और उसके बदले हमें विनर बनाओ। मतलब कि अगर मैं एक बार ऐसे करूंगी, मुझे पक्का है कि कईयों ने ऐसे किया है, एक विनर ने भी ऐसे किया है। एक विनर्स भी विन होने के बाद कह रही है मुझे दोबारा से विनर बनाओ और मैं आपको इतने सब्सक्राइबर दूंगी। प्लीज मैं यहाँ पे उसी का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि मैं इंसल्ट नहीं करना चाहती किसी की। सिर्फ ना अपना जो दुख है, जो दिल का अंदर का, मैं वो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। क्या शेयर कर सकती हूँ आप ही बताओ। यार क्या कर रहे हो आप लोग, मत मेरा ऐसे मन खराब करो। पता है वीडियो बनाने का भी मन करता कि क्या यार, लोग मुझे बार बार डीएम करते हैं। पहली चीज तो ये थी। अब दूसरी चीज जो बताऊंगी ना, उससे भी आप डिस्टर्ब हो जाओगे, क्योंकि मैं खुद 15 दिन से डिस्टर्ब हूँ उस चीज से। अगर मैं बताऊं, पूरे 15 दिन हो गए हैं बीमारी की हालत में भी मुझे डिस्टर्बेंस हो गई। सॉरी, मैं नाम तो नहीं आपका लूंगी डियर, लेकिन आप गुस्सा नहीं करना, मुझे ये बात शेयर करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वाकई मैं बहुत बहुत डिस्टर्ब हूँ। देखिए जब आप विन करते हो, ठीक है, कोई भी अगर विनर मेरे साथ ऐसा करेंगे तो फिर मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगी। क्या करेंगे अभी बताती हूँ। मैं उनको डिस्क्वालीफाई कर दूंगी। मैं इस बार तो मैं 15 दिन हो गए मैं नखरे सह लिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं सहूंगी, क्योंकि आप लोग समझते ही नहीं है कि मैं एक गृहस्थी वाली हूँ। मेरे हस्बैंड है, मेरा बेटा है, मुझे उनको भी देखना होता है हर टाइम हर समय। मैं ऐसे आपके ऑर्डर्स नहीं डाल सकती, ठीक है। बात बताती हूँ हुआ क्या। सॉरी, आप किसी को कुछ गलत नहीं बोलोगे, सिर्फ मैं अपने दिल की बात शेयर कर रही हूँ। हो सकता है उस लड़की की गलती ना हो, पर मैं डिप्रेस हो जाती हूँ। जब आप विन करते हो कुछ भी, पहली चीज जो मुझे प्रॉब्लम दे रही है वो ये कि अगर आप 350 का कुछ भी विनर करते हो, जीतते हो, या 300 रुपये जीतते हो, तो प्लीज उसी के अंडर, जैसे आप 350 विन किए, 350 के अंदर अंदर ही आपको गिफ्ट चूज करना है, ठीक है। आप क्या करते हो, गिफ्ट चूज करके मुझे डीएम कर देते हो, ठीक है। फिर मैं अमेजोन पे जाके उसको ढूंढती हूँ, ढूंढने के बाद फिर उसका ऑर्डर प्लेस करके देखती हूँ, उसके पैसे बढ़ जाते हैं। क्या करूं, पैसे कैसे बढ़ जाते हैं। पहली चीज, पहली प्रॉब्लम ये है कि वो कुछ लोग 100-100 रुपए की चीजें
150 ऐसे तीन चीजें, मान लो तीन प्रोडक्ट उन्होंने चूज कर लिए, वो ये तो देख नहीं रहे उनमें से एक प्रोडक्ट का डिलीवरी चार्जेस पड़ रहा होता है, कभी कभी दो के भी पड़ रहे होते हैं। तो ऐसे एक बार नहीं, मैंने 7-8 बार वो ऑर्डर कैंसिल किया। कैंसिल नहीं, जैसे मतलब कि मैंने उसमें भरा, पहले उनके प्रोडक्ट ढूंढे, ढूंढने के बाद फिर मैंने उनको फिर मेरे को तो ऑर्डर डालना नहीं आता, मैं अपने बेटे को तंग करती हूँ, ऑर्डर डालो प्लीज प्लीज आज ही डालना है, जरूरी है। बेचारा अपनी पढ़ाई छोड़ के, प्लस वन की, पता है आपको कितना बिजी शेड्यूल होता है, वो छोड़ के आप लोगों के ऑर्डर डालता है, ठीक है। ऑर्डर डालने के बाद फिर वो देखता है कि नहीं मम्मा ये तो 400 रुपया बनना है, ये बन रहा है, तो फिर वो कैंसिल करके फिर उसे बताना पड़ता है कि आपका ये ऑर्डर ज्यादा पैसों का बनता है, आप कोई और चीज पसंद करो। फिर और चीज पसंद की जाती है, फिर उसी में यही पंगा। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप लोग जो भी विन किए हैं आज तक, पहले उसको भरो, बनने के बाद आपके कौन सा वो घर पे आ जाएगा, कोई एड्रेस थोड़ी बड़ा, आप वहां पे देखो कितनी सब टोटल कितना बनता है, आपका सब टोटल वहीं पे पता लग जाएगा आपको। अगर ज्यादा बन रहा है तो आप मुझे वो प्रोडक्ट क्यों भेज रहे हो? अब मुझे समझ नहीं आ रही बार 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 ऐसा क्यों हो रहा है। एक बार नहीं, एक दो बार कोई बात नहीं, हो जाता है ना, एक दो बार के लिए मैं आपको कुछ नहीं बोलती, लेकिन आप 10-15 बार मुझे अगर ऐसे भेजोगे तो सोचो मैं डिस्टर्ब होंगी कि नहीं होंगी। मेरी जगह अगर आप हो, मैं आपको ऑर्डर डाल, मैं आपको आपको सामान दे के भेज रही हूँ, आपने मुझे 300 का सामान देना है, लेकिन आपका बन रहा है कभी 350, कभी 400, तो आप कहोगे नहीं ये इतना बन रहा है, फिर मैं दोबारा वही भेजूँ, फिर मैं वही भेजूँ, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? आप कहोगे आपको समझ नहीं आती एक बार कि आप जितना है इतने में भेजो, है ना? लेकिन नहीं, मुझे पागल ही समझ रहे हैं लोग, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा। और फिर हुआ क्या, ऑर्डर डाल गया, ठीक है। ऑर्डर डालने के बाद जब आप ऑर्डर में हम मैं डालती हूँ, क्योंकि मैं कैश ऑन डिलीवरी तो नहीं डालती, आपको भी पता ही है, मैं आपका एड्रेस भरती हूँ, उसके बाद अपने कार्ड से उसमें से पेमेंट करती हूँ, तो मैंने पेमेंट कर दी अपने कार्ड से, है ना। अब एक बार जब पेमेंट हो गई, अगर आप दोबारा उस चीज को कैंसिल करोगे तो वो पेमेंट मेरी उसी टाइम कैसे वापस आएगी, बताओ? उसको आने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि कार्ड का मामला है, ठीक है। हर इंसान को होता है हमारा कार्ड सेफ रहे और बार बार हमारी जो शॉपिंग है ना वो कैंसिल ना हो। एक बार ऑर्डर डलने के बाद जब ऑर्डर डल गया, कैंसिल कर दिया उन्होंने, ठीक है। कैंसिल करने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को कहा, उसकी मनपसंद चीज ये है, चलो वो कह रही है लेनी है, तो वो कहते पहले देखो 350 रुपया मेरा जा चुका है, पता नहीं कब आएगा, ठीक है। फिर भी मैंने दोबारा से ऑर्डर डाल दिया 350 का, दोबारा से डाल दिया। अब दोबारा डलने के बाद फिर भेज दिया मैंने, मेरे तो 700 लग गए ना, मानती हूँ 350 वापिस आएंगे, मानती हूँ फिलहाल के लिए तो लग गए ना। जब ऐसी परेशानियां होती है ना तो हस्बैंड भी कहने लग जाते हैं छोड़ ये गिव अवे क्या है, दिमाग खराब कर रखा तूने हमारा। लेकिन फिर भी मैं अपनी खुशी से करती हूँ, तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। फिर मैंने वो कर दिया, अब क्या हुआ है, अमेजोन ने कुछ और भेज दिया वहां प्रोडक्ट, वो भी मुझे अच्छे लगे, कुछ और भेज दिया। अब वो वापसी का सिस्टम इतना लंबा है ना, इवन वहां पे अच्छा ही सामान गया है, अगर आप चाहो तो, मैं ऐसे दिखाना नहीं चाहती, किसी की इंसल्ट नहीं करूंगी, तो अब कम से कम अगर मान लो कोई गिफ्ट हमें कोई देता है, ठीक है, हमारी पसंद का शायद ना भी हो, तो हम एक्सेप्ट तो कर ही लेते हैं ना, उस पे बहस की क्या जरूरत है कि ये तो मेरी पसंद का नहीं है, मुझे मेरी पसंद का गिफ्ट दो। मैं क्या, आपने मुझे खरीद लिया है क्या? मैं मतलब एक 350 की करके आप मुझे ऐसे करोगे तो मेरा दोबारा मन करेगा मैं गिव अवे करूं या ऐसे लोगों को विन करूं, जबकि अभी मेरा मन था कि दोबारा से चलो अभी, क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं विनर्स को, जो विनर्स हैं वो दोबारा रिपीट करती हूँ, करूंगी आगे भी करूंगी, बहुत बार करूंगी मैं विनर्स रिपीट, मेरी मर्जी है, मैं बहुत बार करूंगी, मेरा मन करता है, अगर मैं रिपीट करूंगी तो दोबारा
कभी विन कर जाओगे तो क्या हो गया, इसमें बहस की क्या जरूरत है। नहीं, हमको तो वही पसंद है, हमें हमें तो वापिस करो। अब वापिस हो नहीं रहा तो मैं क्या करूं, मुझे भी मुश्किल आ रही है। तो ऐसे लोगों को ये आप मेरे चैनल को छोड़ के चले जाइए प्लीज। जो लोग ऐसे हैं, सभी को नहीं, मेरे अच्छे अच्छे भी तो हैं ना सब्सक्राइबर, लेकिन मैं उनके लिए भी एक सलाह दूंगी, सिर्फ इतनी। मैंने अपनी तरफ से वो ही ऑर्डर डाला था, वो ही मैं उसका स्क्रीनशॉट भी भेजा। जैसे मान लो मैंने ऑर्डर डाला आपके नाम का, वहां पे लिखा आ जाता ना आपका नाम एड्रेस, और वहां लिखा भी आ जाता है कि कितने दिन बाद आपको डिलीवरी होगी। वो सारा स्क्रीनशॉट भेज दिया कि मैंने आपका जो ऑर्डर था वही डाला है। अब गलत हो गया तो मेरा कसूर बताओ क्या है। कभी आपके किसी और के साथ भी ऐसा हो तो मैं पहले ही आपको ये कहना चाहती हूँ, वैसे तो होगा ही नहीं, ठीक है। आप ऑर्डर बार बार कैंसिल नहीं करोगे, आपने जो भी पसंद किया है आप 2-4 दिन ले लो आराम से ऑर्डर। पसंद ये जल्दी किस चीज की है, जब आपको विनर बनाया है तो देना ही है। जो चीज मैंने सोच ली वो करनी ही है। अगर आपको विनर बनाया है तो आपको गिफ्ट मिलेगा ही, 2-4 दिन लेट मिल जाएगा। आप आराम से जब विनर बन जाते हो आराम से देखो कि आपको क्या लेना है। पता है आपको मैंने 350 के क्यों निकाले हैं ये सारे वाउचर, मैं 100 रुपीज के नहीं निकालती, 200 के नहीं निकालती। मैं चाहती हूँ कि कुछ तो अच्छी चीज आपके पास पहुंच जाए। 100-200 की क्या चीज आएगी। इस चक्कर में मैं 350 का ज्यादातर निकालने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आप फिर वही मेरे को अगर कॉम्बो भी लेना है कोई अच्छा सा कॉम्बो बताओ ना, कि पूरा प्रॉपर वो रेट हो। 10-15 रुपये ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन 50-50 रुपये आपको ज्यादा नहीं करने हैं। 350 से 400 तक नहीं जाना है। और देख लिया करो कि वहां पे चार्जेस लग रहे हैं कि नहीं। अब वो चार्जेस थोड़ी ना मैं भरूंगी, 350 का वोचर भी निकालू और 60-70 रुपये की डिलीवरी चार्जेस भी मैं दूं, गलत बात है ना। आप ही बताओ। इन चीजों की वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मैं सिर्फ एक छोटी सी एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, मेरी जगह अगर आप होते मैं आपको बार बार ऐसे तंग करती, नहीं ये नहीं ये नहीं ये। जो हाउस वाइफ है ठीक है, वो समझ जाएगी मेरी बात को, क्योंकि उनको अपने घर के और काम भी होते हैं। ये नहीं है कि वो सारा दिन मोबाइल पे बैठी रहती है, नहीं, उनको अपने बच्चों को संभालना है, अपने हस्बैंड को संभालना है, घर की साफ सफाई करनी है, काम काज करने, बहुत सारे काम होते हैं। और जो बच्चियां हैं वो अपनी मम्मी की तरफ क्यों नहीं देखती, उनकी मम्मी काम करते हैं ना, फिर आप क्यों ऐसा यार करते हो मेरे साथ। परेशान हो गई हूं सच में। अब दोबारा से ऐसा मत करना। अगर आप मेरे चैनल पर रहना चाहते हो तो रहो, सभी को दोबारा मौका जरूर मिलेगा। जितने विनर आज तक हुए हैं उनको हर किसी को मौका मिलेगा, और जितने आगे होंगे उनको भी मिलेगा। आप देख लेना, रिपीट नाम होंगे ही होंगे। आप खुद कहोगे कि ये तो पहले भी विन कर चुकी थी, अब फिर ये तो पहले भी विन कर। हाँ, और मैं आपको बता दूं, आज तक जितने भी विनर हुए हैं आप उनको इंस्टा पे मैसेज करके पूछ लेना वो कहाँ रहते हैं। दूर दूर रहते हैं, कोई मुझे नहीं जानता है। मैं चाहती थी मैं हर जगह, चाहे वो आगरा है, बिहार है, चाहे वो कुछ भी है कहीं, अब मैं आपको मेंशन करूंगी कि मैंने कहाँ कहाँ गिफ्ट भेजे हैं, मतलब कि कौन कौन से शहर में, इतनी इतनी दूर भेजे हैं, कभी किसी को गलत गिफ्ट नहीं गया है। सब जिन जिन को जो जो विनर मेरे हुए हैं वो मुझे मैसेज करके जरूर बताएंगे कि क्या उनको सही गिफ्ट मिला था। जैसे कि निकिता डियर है, जेवा डियर है, तो ऐसे बहुत सारे हैं ना जो विनर हुए हैं आज तक, क्या उनको सही गिफ्ट नहीं मिला है। मिला ना, इतनी दूर रहते हैं मुझे जानते भी नहीं है। और पूछ लेना क्या वो मुझे पर्सनली जानते हैं, नहीं वो मुझे नहीं जानते हैं, फिर भी उनको मिला। तो यही मैं इतने दिनों से डिस्टरबेंस की वजह से वीडियो नहीं बना पाई, तो एक मैं बस यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, विनर्स आगे भी होते रहेंगे और रिपीट भी होंगे और अच्छे अच्छे गिफ्ट भी लेके आऊंगी। और कोशिश कीजिए पेटीएम का अरेंज करें तो बेस्ट है, क्योंकि देखिए मैं भी एक जेन्युइन लेडीज हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पेटीएम आपका खराब करूंगी, आपको नॉर्मल तरीके से पेटीएम से भेजूंगी, सबको भेजती हूँ। तो अगर पेटीएम हो जाए तो सबसे बढ़िया, लेकिन फिर भी
अगर किसी के पास नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी उनके लिए अमेज़न से गिफ्ट लेके आऊंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं फ्लिपकार्ट और ऐसे जैसे और भी ऐप से दूं तो थोड़ा वेट कर लो, जैसे जैसे 1-2 महीने का और वेट कर लो तो मैं फ्लिपकार्ट, मेशो या कोई और चीज जो भी आप चाहते हो जिससे खरीदना तो मैं वो डाउनलोड करूंगी। फिलहाल अभी मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं होती उनको पेमेंट करने की, कईयों में पेटीएम की ऑप्शन ही नहीं होती, तो मैं पेमेंट भी कैसे करूँ आप बताओ, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी तो सभी ऐप से हो जाती है लेकिन पेमेंट के तरीके अलग अलग हैं इस वजह से। तो मत ऐसा करना और अपना सजेशन जरूर बताना क्या मैंने गलत किया आप लोगों को बता के, क्योंकि मैं परेशान थी। अपनी परेशानी आप लोगों के साथ शेयर करके अब मैं आराम से अपनी विनर अनाउंसमेंट वीडियो बनाऊंगी, गिव अवे वीडियो बनाऊंगी, सारी वीडियोस बनाऊंगी, है ना। तो ये टेंशन मेरी उतरी कि मुझे ऐसे तंग मत करो, और फिर अगर आप ऐसे तंग करोगे तो मैं आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं करूंगी इंस्टा पे, ठीक है। एंड ओके बाय बाय, थैंक यू आपने मेरी बात को सुना, आप मेरे बहुत अच्छे 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 सब्सक्राइबर हो, और नहीं ऐसा नहीं है मैं आप सबको विन करूंगी, पक्का 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 प्रॉमिस। और प्लीज मेरी किसी बात का माइंड नहीं करना, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ कर देना प्लीज। बाय, लव यू ऑल।